दोस्तों आज आपको ये बताने वाले हूं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म कब से भराना शुरू होगा। दोस्तों सभी स्टूडेंट के इंतजार था कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म कब से भराना शुरू होगा, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कब शुरू होगा, इसका लास्ट डेट कब है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों जैसे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म जो नए पंजीयन करना चाहते हैं, जो नए स्टूडेंट है, जो कॉलेज में एडमिशन लिए है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में जैसे डिप्लोमा करना चाहते हैं या नए आप पंजीयन स्कॉलरशिप के फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए है। तो दोस्तों सबसे पहला आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों इसका जो फॉर्म फिलअप शुरू होने वाला है 9 महीना से स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज से 3 से 4 दिन हो चुका है, ठीक है, जिसमें आपका लास्ट डेट है 30/10/2024, मतलब कि आपके पास कम से कम 1.5 महीना टाइमिंग है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये बता देता हूँ। सबसे पहला दोस्तों आधार कार्ड लगेगा, बैंक खाता लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी, पिछले साल का आपका मार्कशीट, जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन लिए तो आपका 12वीं का मार्कशीट लगेगा। दूसरा ये है दोस्तों आपका अनुदानी जाति निवास, आय प्रमाण पत्र जो होता है अनुदानी बोलते हैं, वो आपको तहसील से बनवाना होता है, ठीक है, तहसील का जो तहसील का अनुदानी होता है वो लगेगा, ठीक है। दोस्तों आप ये याद रखें कि आपका जो नया पंजीयन कैसे होगा, इसमें आपका जो एडमिशन होता है एनरोलमेंट नंबर होता है, एडमिशन डेट होता है, उसको भी आपको लगेगा, ठीक है, जिसमें आपका रिसिप्ट लगता है। अब दोस्तों ये आता है कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। फॉर्म दोस्तों आप ऑनलाइन सेंटर पे भी जाकर करा सकते हैं,